इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी ना किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 14 सितंबर के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। अनेक बोलियों और भाषाओं वाले हमारे देश में आज़ादी के बाद भाषा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ था। आखिरकार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हालांकि शुरू में हिंदी और अंग्रेजी दोनों को राष्ट्र की भाषा चुना गया था। संविधान सभा ने देवनागरी लिपि वाली हिंदी के साथ ही अंग्रेजी को भी आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया, लेकिन 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने हिंदी को ही भारत की राजभाषा घोषित किया। हिंदी को देश की राजभाषा घोषित किए जाने के दिन ही हर साल हिंदी दिवस मनाने का भी फैसला किया गया। देश दुनिया के इतिहास में 14 सितंबर की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। फिल्म निर्देशक गोपाल दास परमानंद सिप्पी का जन्म आज ही के दिन 1914 में हुआ था। प्रख्यात धारा शास्त्री और भूतपूर्व केंद्रीय कानून मंत्री राम जेठ मलानी का जन्म आज ही के दिन 1923 में हुआ था। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता राजकुमार कोहली का जन्म आज ही के दिन 1930 में हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय स्वाधीनता सेनानी और क्रांतिकारी दुर्गा भाभी का जन्म आज ही के दिन 1932 में हुआ था। हिंदी के कालिदास के रूप में प्रसिद्ध कविवर चंद्र कुमार बर्तवाल का निधन आज ही के दिन 1947 में हुआ था। 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया था। आज ही के दिन 1959 में लूना 2 चंद्रमा की सतह पर उतरा था। ये चंद्रमा की सतह तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु थी। इसने सोवियत संघ और अमेरिका में अंतरिक्ष स्पर्धा की शुरुआत की थी। 1960 में आज ही के दिन खनिज तेल उत्पादक देशों ने मिलकर ओपेक की स्थापना की थी। भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी रॉबिन सिंह का जन्म आज ही के दिन 1963 में हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार ताराशंकर बंदोपाध्याय का निधन आज ही के दिन 1971 में हुआ था। हिंदी सिनेमा के जाने माने संगीतकार रामकृष्ण शिंदे का निधन आज ही के दिन 1985 में हुआ था। आधुनिक राजस्थान के सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी कवि चंद्र सिंह बिकराली का निधन आज ही के दिन 1992 में हुआ था। आज ही के दिन 1998 में जनरल इलेक्ट्रिक को पीछे छोड़कर माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी थी। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में उसकी कीमत $261 अरब आंकी गई थी। वर्ष 2000 में आज ही के दिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिकी सीनेट के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। आज ही के दिन 2001 में ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए अमेरिका ने $40 अरब की मंजूरी दी थी। 2003 में आज ही के दिन गुयाना बिसाउ में सेना ने राष्ट्रपति कुंबा माली सरकार का तख्ता पलट किया था। आज ही के दिन 2006 में परमाणु ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने पर इब्सा के बीच सहमति बनी थी। 2006 में आज ही के दिन तिब्बत के आध्यात्मिक निर्वासित नेता दलाई लामा को संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी। आज ही के दिन 2007 में जापान ने तानेगासिया स्थित प्रक्षेपण केंद्र से पहला चंद्र उपग्रह H2A प्रक्षेपित किया था। 2009 में आज ही के दिन भारत ने श्रीलंका को 46 रनों से हराकर त्रिकोणीय सीरीज का कॉम्पैक्ट कप जीता था। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।